फीचर्स, सस्पेंशन, स्टेयरिंग, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग। फील हुआ मॉम कुछ? यहाँ से गाड़ी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल जैसा मर्सिडीज बेंज का 360 डिग्री व्यू नहीं होता। या बैठ के चला के देखते हैं कैसी है। तो गाड़ी की चाबी अपने हाथ में आ चुकी है। 1, 2, 3, ये है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। ऑलराइट, स्पोर्ट मोड, लेट्स थ्रॉटल द एक्सेलरेटर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो कि राह चलता आदमी इसके अंदर बैठ जाए। तो एक दूसरा लैग वहां से होता है, इसको 3 सेकंड तक दबाना है। सो दिस इंश्योर्स कि गाड़ी सेफ रहे, कि इसके अंदर लैग आता है या नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा आपको पुश मिलता है गाड़ी के अंदर, जो इसकी ट्रेड की थिकनेस है, ये रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। हाय एवरीवन, आज हम एक अमेजिंग राइड करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं ड्रैगन राइड। अरे नहीं, मैं किसी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं हूँ, मैं कार शोरूम में हूँ। ड्रैगन का नाम सुनकर आपको वैसे आइडिया लग गया होगा कि मैं कौन से कार शोरूम में हूँ। नहीं भी लगा तो कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। मैं आ रखा हूँ फिलहाल लैंडमार्क BYD में, विच इज इन ओखला दिल्ली, कर्टसी देम। आज मैं टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। गेस करो BYD Atto 3, ऑटो नहीं, Atto 3। काफी डिटेल में कोशिश करूंगा कि मैं इसका ड्राइव रिव्यू कवर करूं। गाड़ी के सारे फीचर्स, सस्पेंशन, स्टेयरिंग, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, जितना जो पॉसिबल हो पाएगा मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एक बार जरा टेस्ट ड्राइव व्हीकल देख लेते हैं। ये नहीं है, ये वाली है ग्रे कलर की। मैंने बताया था ना, 4 कलर आते हैं, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, रेड। तो आज अपने पास ग्रे वाली कार अवेलेबल है। बैठ के चला के देखते हैं कैसी है। तो गाड़ी की चाबी अपने हाथ में आ चुकी है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था आपको कि इसकी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो एक बार आपसे पूछता हूँ कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, अंदर बैठ के या फिर रिमोटली? चलो रिमोटली कर लेते हैं। इसको 3 सेकंड तक दबाना है। 1, 2, 3, DRL ऑन हो गए हैं, इसका पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट हो गया है, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि पहले लैंडस्केप में था। लेकिन इंजन सिर्फ ऑन है, गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है। उसके लिए अनलॉक का बटन अलग से दबाना पड़ेगा। सो दिस इंश्योर्स कि गाड़ी सेफ रहे। बाय चांस किसी ने ऊपर से बालकनी से या घर से ऑन किया है इसको, ताकि इसका AC वगैरह चल सके, गाड़ी ठंडी हो सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि राह चलता आदमी इसके अंदर बैठ जाए। तो जिसके पास चाबी है वही इसको खोल सकता है। अभी अनलॉक करता हूँ इसको। तो अनलॉक का बटन दबाते हैं, गाड़ी अनलॉक हो गई। सो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आइए। सो गाड़ी के अंदर मैं जैसे ही बैठा हूँ, ब्लोअर्स इसके ऑन है, AC चल रहा है और मुझे ठंडी हवा लग रही है और AC ठीक ठाक इफेक्टिव भी लग रहा है। हम लोग स्पेसशिप में बैठ चुके हैं। ये ट्विटर्स के अराउंड जो ये सर्कुलर लाइटिंग ग्लो कर रही है, कितनी अच्छी लग रही है देखो। एंड जिस तरह से यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है, उसी तरह से यहाँ पे डोर पैनल्स के नीचे भी लाइट ग्लो हो रही है, सेम मैचिंग। ये इसका गियर शिफ्ट है एंड फिलहाल ये पार्किंग पे है। एंड इसको अगर हमें रिवर्स पे या डी पे डालना है तो यहाँ पे एक बटन है, यू आर सपोज टू प्रेस दिस बटन एंड देन ऐसे इसको न्यूट्रल में कर दिया एंड एक बार और करके रिवर्स कर दिया। नाउ लुक एट दी 360 डिग्री कैमरा, कितना क्लियर है, कोई पिक्सिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है एंड गाड़ी कितनी क्लियर नजर आ रही है। एंड देखो डायनामिक लाइंस देखो इसकी। अभी मैं स्टेयरिंग इसका घुमा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो डायनामिक लाइंस कितनी स्मूथली मूव हो रही है। एंड यहाँ पे टायर भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे टायर रोटेट होता हुआ भी दिख रहा है, जैसे जैसे मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ ना यहाँ पे इस तरह। अब जरा ऐसा करते हैं, रिवर्स लेता हूँ एंड लेट्स सी कि इसके अंदर लैग आता है या नहीं। ये साथ में दूसरी Atto 3 खड़ी हुई है ना, तो इसलिए पार्किंग सेंसर थोड़ा सा आवाज कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि इसमें कोई लैग नहीं है। जैसे जैसे गाड़ी रिवर्स हो रही है वैसे वैसे इसके अंदर वो वीडियो नजर आ रही है एंड कुछ भी अटकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखो अंकल यहाँ से गए अभी, तो इसका पार्किंग सेंसर एक्टिवेट हो गया था। पीछे गार्ड खड़े हैं इसलिए थोड़ी आवाज कर रही है ये। ओ, गार्ड की वैसे नहीं, इसकी वजह से आवाज कर रही है। ये रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, जैसे ही पीछे से कोई गाड़ी जाती है तो यहाँ पे बीप होता है। ये देखो वहां पे देखो एक स्कूटर वाला गया था अभी, तो वहां पे ब्लिप हो रहा था। तो सबसे पहले आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन नजर आ रहा है जो कि फिलहाल पोर्ट्रेट मोड में है। इसको ऐसा करते हैं कि लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो हम लैंडस्केप में कर रहे हैं, तो अगर ये पोर्ट्रेट में रहेगा तो सारी की सारी स्क्रीन कवर नहीं हो पाएगी। सो उसके लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड द मोमेंट यू प्रेस दिस बटन तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से रोटेट हो जाता है। उसके अलावा ड्राइवर के लिए तो खैर काफी कन्वीनियंट है इस बटन को दबा के इसको रोटेट करना, लेकिन अगर कोई साथ में बैठा हुआ है तो वो यहां से भी कर सकता है। सो गाड़ी मैंने चलानी स्टार्ट कर दी है, गाड़ी ड्राइव मोड पे है एंड यहाँ पे जो है इसके ड्राइव मोड्स हैं। तो ड्राइव मोड्स अगर आप देखेंगे तो फिलहाल नॉर्मल पे है, यहाँ पे ना इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर नजर आ रहा है। इसको स्पोर्ट में और इको में भी किया जा सकता है।
ये स्पोर्ट हो गया। तो अभी जैसे ये इको नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये नॉर्मल है एंड ये स्पोर्ट है। सो फिलहाल इसको नॉर्मल में चला के देखते हैं कि नॉर्मल में कैसे चलती है। एंड ये इसकी 3D रेंडरिंग है 360 डिग्री कैमरे की। इस रेंडरिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। एंड 360 को हटा के आप चाहो तो लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, रेयर व्यू, इस तरह से इसके मोड्स चेंज कर सकते हो। मुझे थोड़ा 3D देखने में अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। ये पार्किंग सेंसर का बटन है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से भी ऑफ हो सकता है। ये देखो ये लाइट ऑफ हो गई एंड यहाँ से अगर ऑन करोगे तो ये लाइट यहाँ भी जल जाएगी। सो बेसिकली दे आर इंटरकनेक्टेड, आप स्क्रीन से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो और सेंट्रल कंसोल से भी कर सकते हो। एक बार आप जरा नॉर्मल मोड पे चला के दिखाते हैं। अभी मैंने ब्रेक पेडल छोड़ रखा था लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी बिकॉज इसका ऑटो होल्ड फंक्शन ऑन था। अभी भी देखो मैंने जैसे दोनों पैर यहाँ पे रखे हुए हैं, गाड़ी डीम है बट गाड़ी चल नहीं रही है। सो द मोमेंट आई विल प्रेस द एक्सीलरेटर तब चलेगी बिकॉज द ऑटो होल्ड फंक्शन इज ऑन। सो एक बार चल लेते हैं। हालांकि गाड़ी में चारों तरफ सेंसर है पर फिर भी आदत है ना वो गर्दन यहाँ वहाँ घुमाने की देखने के लिए। ओके सो इसका 0 to 100 जो है दैट इज 7.3 सेकेंड्स। ओहो फील हुआ मॉम कुछ? वाओ अभी नॉर्मल में है, स्पोर्ट पे करते हैं। वही मैं सोच रहा था कि नॉर्मल में चलाऊंगा बट मेरा मन कर रहा है मैं स्पोर्ट में चलाऊं। ऑल राइट स्पोर्ट मोड, लेट्स थ्रॉटल द एक्सेलरेटर। ओके व्हील स्पिनिंग की आवाज आई ना तो व्हील्स इसके लिटरली स्पिन हो रहे थे। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करते हैं एंड नाउ लेट्स सी कि इसके व्हील्स स्पिन होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 2 3 ट्रैक्शन कंट्रोल से व्हील स्पिन नहीं हो रहे भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल रियली वर्क्स। अब इसको ऑफ करता हूं एंड 37 kmph पे। नाउ लेट मी थ्रॉटल द एक्सीलरेटर वंस अगेन। ग्रेट, क्या पुश मिलता है एंड ब्रेकिंग भी बहुत इफेक्टिव है इसकी। कोई इंजन नॉइज नहीं, इंजन नॉइज होगी कहां से मैन, इट इज हैविंग अ मोटर, भूल जाते हैं। ब्रेक्स आर इफेक्टिव, एक्सेलरेशन इज सुपर्ब, 7.3 सेकंड्स 0 to 100 एकदम, मतलब एक अच्छी खासी BMW वाली फील आ रही है। अच्छा रिंगटोन है ये? ओके ओके। सो अगर आप अभी देख सकते हो इस वीडियो के अंदर तो वी आर गोइंग डाउनहिल और मैंने इसकी ब्रेक रीजनरेशन हाई करी हुई है जस्ट टू सी कि ये कितनी ज्यादा ब्रेकिंग करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत हार्ड ब्रेकिंग करती है। इवन इन केस ऑफ हाई रीजनरेशन गाड़ी चल रही है डाउनहिल। अब ये देखिए कि गाड़ी जब अच्छी खासी स्पीड पर चलेगी 20 से 30 kmph या 30-40 kmph इसमें कोई लैग नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे गाड़ी जब मुड़ रही है तो डायनेमिक लाइंस किस तरह से नजर आ रही हैं इसकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पे सामने थोड़ा सा अपहिल है, इसको करते हैं अब अगेन स्पोर्ट मोड में एंड हॉर्न भी अगर आप सुनेंगे तो काफी प्रीमियम सी आवाज है इसकी हॉर्न की। वाकई मैं नॉर्मल गाड़ियों से निकल के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने में आपको बहुत डिफरेंस फील होगा बिकॉज पहली बात तो कोई लैग नहीं है जैसा टर्बो लैग्स होता है काफी गाड़ियों में कि आप एक्सीलेटर प्रेस करते हो फिर थोड़ा सा इंजन के अंदर लैग होता है। एक्चुअली नॉर्मल गाड़ियों के अंदर लैग ना दो तरीके से होता है, एक तो इंजन में लैग कि जैसे ही व्हेन यू फ्लोर द एक्सीलेटर तो थोड़ा पिस्टन चलने में, फ्यूल आने में, इंजेक्ट होने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी बात उसके अंदर होता है ट्रांसमिशन, चाहे वो टॉर्क कन्वर्टर हो चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन हो, कहीं ना कहीं इंजन से लेके व्हील्स तक पावर जाने में जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है उसको पावर ट्रांसमिट करने में कुछ तो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। सो एक दूसरा लैग वहां से होता है। सो एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करने से लेके व्हील्स के स्पिन होने तक थोड़ा सा आपको लैग नजर आता है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो यू गेट सफिशियंट पावर एंड यू गेट इमीडिएट पुश फ्रॉम द गेट गो। एंड वैसे भी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ सो इसकी मोटर जो है इट प्रोड्यूसेस 201 bhp ऑफ पावर एंड 310 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब 200 bhp इज फॉर्च्यूनर टेरिटरी एंड 0 to 107.3 क्लेम्ड, सिर्फ क्लेम नहीं है जब आप बैठोगे एंड इसको चलाओगे यू विल एक्चुअली रियलाइज इट कि ये वाकई में कितनी पावरफुल है। दूसरी बात, कई बार जब किसी कार के अंदर बैठते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करती है तो कई बार आपको डर लगता है थोड़ा सा उसको चलाने में, आपको लगता है कि क्या ये गाड़ी विद इन कंट्रोल रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा,
स्टीयरिंग इसका बहुत स्मूथ है, बहुत लाइट है। एंड अभी मैंने एक रफ पैच के अंदर गाड़ी चलाई थी, मैं वो पोर्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट स्टीयरिंग ज्यादा झूल नहीं रहा था। जैसे कई बार कुछ कार्स में क्या होता है कि थोड़ा सा रफ पैच आता है, टायर्स इधर उधर होते हैं गड्ढों में, तो स्टीयरिंग व्हील भी काफी हिलता है, बट स्टीयरिंग जो था काफी स्टेबल था, सीधा था। एंड ब्रेक्स इसके काफी इफेक्टिव है जैसा मैंने बताया, एंड गाड़ी भी ऐसा मतलब बिल्कुल हल्की फुल्की कागज की लग नहीं रही है। बिल्ड क्वालिटी भी आपको ठीक लगेगी, एंड यूरो NCAP इसको ऑलरेडी 5 स्टार्स दे चुका है। सो इवन दो दिस कार इज फुल ऑफ परफॉर्मेंस, बट यू स्टिल फील विद इन कंट्रोल। हाँ, मैंने ऐसी कोई हाई स्पीड ड्राइविंग इस पे नहीं करी है, लेकिन जो थोड़ा सा आपको पुश मिलता है गाड़ी के अंदर, वो भी एक सिटी के अंदर, वो भी इतने ट्रैफिक के अंदर, तो थोड़ा सा कई बार गाड़ी को ज्यादा पुश करने पर डर लगता है कि कहीं लग ना जाए, तो वो एक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आता है। ये देखो, लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, एंड साइड व्यू मिरर के अंदर एक येलो कलर का ट्रायंगल बना रहा है, ये है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। कई बार अगर हमें कोई गाड़ी बाई चांस ना भी नजर आए आती भी, तो कम से कम ये ट्रायंगल देख के हमें पता चल जाता है कि कुछ तो है। बाकी इसके अंदर इतने कैमरे हैं, इतने रडार हैं, इतना सब कुछ है कि कोई चीज मिस हो जाना, मतलब ह्यूमन आई कैन एक्चुअली मिस समथिंग, बट दी कार विल मेक श्योर कि आप हर तरफ से कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी कार या कोई भी पासर बाय को देख पा रहे हो। अभी मैंने आई थिंक 50-55 KMPH पे गाड़ी चलाई थी, एंड ये बिल्कुल जैसे प्ले स्टेशन के अंदर गेम में गाड़ियां चलती हैं बिल्कुल वैसा लग रहा था। इसमें बिल्कुल जरा सा भी कोई लैग नहीं था। द क्वालिटी ऑफ द कैमरा, द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन इज रियली नाइस। इनफैक्ट स्क्रीन भी 12.8 इंचेस का है, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आईपैड पे आप कोई वीडियो देख रहे हो। इसको अगर मैं यूं पकड़ लूँ ना और सिर्फ इतनी रिकॉर्डिंग करूँ, तो वाकई में इस वीडियो को देख के कोई भी सोचेगा कि शायद मैं आईपैड पे कुछ खेल रहा हूँ। स्क्रीन वाकई में काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन की मैं अगर बात करूँ, तो बीच में एक काफ़ी रफ पैच आया था जिसके अंदर अच्छी बड़ी बड़ी बसेस भी हिल रही थी। एंड पहली बात तो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका बिल्कुल एक टिपिकल एसयूवी जितना नहीं है, पर ये गाड़ी नीचे से टिकी नहीं। दूसरी बात, हालांकि इसमें 18 इंचेस के व्हील्स हैं, एंड जो इसकी ट्रेड की थिकनेस है नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो शटर्स हैं वो केबिन के अंदर आए नहीं, एंड दी केबिन इज ऑल्सो वेल इंसुलेटेड। एंड सस्पेंशन भी ज़्यादा इसका स्टिफ नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि गाड़ी चारों तरफ से रोल हो। सस्पेंशन इज एडिक्वेट, जिसको बोलते हैं ना कि स्वीट स्पॉट। एक बार इको में देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पे कितना डिफरेंस होता है। इसका जो इको मोड है उसमें परफॉर्मेंस स्पोर्ट के मामले में थोड़ी सी कम है, बिकॉज ऑब्वियसली इको मोड है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल से काफी ज्यादा है। ये देखो स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी देखना एक बार, बिल्कुल सीधा हो गया कुछ ही सेकंड के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड स्टीयरिंग कितना लाइट है, एक बार ये देख लेते हैं। गाड़ी खड़ी करके इसको पार्किंग में करता हूं मैं। गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में है, एक उंगली से मुड़ जाता है, लाइट है, स्टीयरिंग हल्का है। कंसिडरिंग कि ये गाड़ी 1750 किलो की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारी होती हैं बैटरी की वजह से, इन स्पाइट ऑफ दैट गाड़ी आपको बड़ी लाइट फील होती है। एंड ड्राइविंग पोजीशन भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सामने का सारा कुछ दिख जाएगा, आपको बोनट का कर्व दिख जाता है, लेकिन कुछ देखे या ना देखे ये देख लो ना, मतलब इससे ज़्यादा विजिबिलिटी और क्या लोगे आप। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपको एग्जैक्टली सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन पीछे से आ रहा है, कौन साइड से आ रहा है, वहां से कौन आ रहा है। अगर कोई आदमी गाड़ी में बैठा है तो उसको खिड़की नीचे करके अपना सिर बाहर निकाल के कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी में ऑलरेडी चारों तरफ काफी सारी आंखें हैं, पूरा सारा व्यू नजर आता है, बिल्कुल जैसा मर्सिडीज बेंज का 360 डिग्री व्यू नहीं होता या BMW का, बिल्कुल उस तरह का। गाड़ी का ग्लास एरिया भी काफी अच्छा बड़ा है, फ्रंट विंडस्क्रीन आपको काफी बड़ा लगेगा। एक चीज है कि जैसे इसका यहाँ पे सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एंड ऊपर रेयरव्यू मिरर के पीछे काफी बड़ा इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है फॉर दी ADAS कैमरा एंड दी रडार, एंड यहाँ पे भी इन्होंने एक MID डिस्प्ले दे रखा है स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर। तो कई बार फोटोज में देख के ऐसा लग सकता है कि शायद विजिबिलिटी हैम्पर होती होगी या फिर ये एरिया थोड़ा सा कंप्रेस दिखता होगा, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब आप इस कार में बैठोगे और आप इसको चलाओगे तो आपको हाइंड्रेंस इन व्यू कुछ भी ऑब्ट्रूसिव नहीं नजर आएगा, कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्टेड नजर नहीं आएगा, व्यू काफी क्लियर नजर आएगा। बार बार ना हाथ यहां जा रहा है इसको स्पोर्ट मोड में डालने के लिए, ये नॉर्मल था बाय द वे। एंड बिल्कुल एक पुश मिलता है जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ एक्सेलेटर, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो के अंदर किस तरह से मेरा सिर बिल्कुल लगता है हेडरेस्ट के। ओहो, ऐसा लग रहा है कि काश रेस ट्रैक पे होता, इतनी गाड़ियां भी ना होती। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली क्वाइट एडिक्टिव।
सो गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं स्पेसशिप जैसे, वो सिर्फ बाय डिजाइन नहीं है, कार को चलाने में भी आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। एक तो इसका कैमरा भी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। सो ये था भाई मेरा एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू विद द ऑटो 3। द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बड़ा मजा आया। ड्राइव थोड़ी छोटी थी आई नो, मेरा भी मन नहीं कर रहा था गाड़ी को छोड़ने का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करूं जिसके अंदर मैं इसके ADAS के फीचर्स भी दिखा सकूं। अब वो कब पॉसिबल हो पाता है देखते हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि वो मैं आपके पास जरूर लेके आऊं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।